नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो नए व्लॉग में। अभी हंस रही हूँ, पता नहीं थोड़ी देर बाद कैसी हालत होगी। तो आज मेरे दूसरे दांत की सर्जरी है, तो अभी मैं और गिरीश जाएंगे। ये देखो बैठे हुए हैं पति देव और सासू माँ जी दोनों यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ मूंगफली खा लो आके तो क्यों जाएगा काम आपका। नहीं, मेरा मन नहीं है खाने का। आओ तो सही था, तो आओ। मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया है आज। इनको तो व्लॉग शूट भी नहीं करना आता, किलोमीटर दूर खड़े होकर व्लॉग शूट कर रहे हैं, बताओ। और ना इन्होंने क्वेश्चन आंसर व्लॉग बनाया है, वो भी मेरे कहने पे। नहीं तो इन्होंने बनाना नहीं था। मैंने कहा फिर आपका ऑपरेशन हो जाएगा, क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनके आंसर दे दो और वो आपका व्लॉग बन जाएगा और आप आंसर भी दे दोगे सबके। तो करिए ठीक है। फिर इनका क्वेश्चन आंसर व्लॉग इनको बोला कि आप रिकॉर्ड करो और अकेले करो, मैं नहीं साथ में बैठूंगा। नहीं तो मम्मी को बिठा लिया, मेरे को बिठा लिया, खुद चुप कर इनके क्वेश्चन है और हम बोल रहे हैं। तो पता नहीं अब कैसा बना लिया। मेरे को पता नहीं इन्होंने कैसा रिकॉर्ड किया होगा, तो वो कल या परसों, कल के परसों के व्लॉग में आपके सामने आ जाएगा। तो आपके तकरीबन क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने देने की कोशिश की होगी, मेरे को लगता है, उम्मीद है। अच्छा वो मालिश करने वाले दीदी आए थे, बोल बोल के पढ़ती भी बोल बोल के ही हूँ ना। तो और मेरी उंगली पे भी पट्टी चला रखी है प्रभ ने, तो ठीक है अभी। पहले से तो अभी फील अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो खुला खाब सा वैसे गंदा सा लग रहा था, तो वैसे अभी ढक सी गई है चीज, तो अच्छी लग रही है। बाकी आप तैयार हो, ब्रश कर लिया? तो फिर दो दिन ब्रश भी नहीं करना ना। बहुत दर्द, अभी से दर्द भी महसूस हो रही है। अभी इनका मुंह सूजा नहीं हुआ, वो अच्छी बात है। टाइम पे इनका ऑपरेट हो जाएगा और फिर ये आराम से रिकवर करके अच्छा पीछा खा पी भी लेंगे। कहते प्रेगनेंसी में दांतों का ये कुछ कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, दर्द वगैरह बहुत इश्यूज उठते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अभी मैं मैम से भी बात कर रही थी, वो भी कह रहे थे कि इधर दांतों का कुछ कुछ होता रहता है। तो मैंने कहा विजडम टीथ है, कहते फिर तो निकलवाना ही चाहिए विजडम टीथ। तो अच्छा फिर मैं कहता हूँ और जो ऊपर के दो दांत बोल रहे हैं वो ना निकलवा दो। निकालनी है वो अभी तंग तो कर नहीं रहे हैं अभी। नहीं, इनको ऊपर के दो दांत भी बोल दिए निकालने के लिए, वो हैं मगर वो टेढ़े जा रहे हैं, वो टेढ़े जा रहे हैं। थोड़े से भी और आए तो वो स्किन बाइट करेंगे फिर। कोई बात नहीं, जब करेंगे तब कर लेंगे, जब तक नहीं कर रहे हैं रहने दो। हाँ, आप बताओ आपकी सेहत कैसे है? मम्मी भी ठीक है, उन्होंने अभी मालिश भी करवाई, अपने सिर की भी करवाई, अभी जहाँ चोट लगी थी तो वहाँ पे काला खून बना। मम्मी कैसी तबीयत है? ठीक है ना, अभी तो दर्द जब गिरे ना उसकी उसे लग गई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीन जगह तो लाल हो रहा है। इस साइड को गिरे थे ना? हाँ, आप इस साइड को गिरे, पापा इस साइड को गिरे, ये कैसे हो गया? नहीं दोनों इकट्ठे गिरे। क्यों? पापा हाँ, पापा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गिरे हो आप, आपके इस साइड है, दोनों एक साइड क्यों नहीं गिरे? वैसे तो गिरना नहीं चाहिए था। नहीं पापा कह रहे हैं पापा के ऊपर मम्मी गिरे हैं, वो यही बोल रहे थे पापा। मेरे को कुछ होश थी यार, मेरे को कुछ होश नहीं थी, कब गिरे क्या हुआ कुछ पता नहीं है मेरे को। अब तो मतलब कि बाद में तो हम मजाक बना लेते हैं हर एक सिचुएशन का, मगर जब होती है उस समय होती है। और वैसे भी ना मैं हर एक सिचुएशन को बहुत लाइट लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आसपास जो भी है वो भी उस सिचुएशन को लाइट लें। उसमें हाय क्या हो गया ऐसे करने का कोई फायदा नहीं, ऐसा करके ना तो हम उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं ना कुछ। और इस चक्कर में ऐसा मैं गाड़ी तेज करके आऊँ कहीं ठुक जाऊँ, फिर वो ठीक करने के चक्कर में अपना ही कांड करवा लो। तो आराम से कूल होके सिचुएशन को देखना होता है कि ठीक है हो गया है। वहाँ पे पहले सिचुएशन मैंने अलग अलग दोस्तों को कॉल किया, मैंने बताई दिया, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, तो कोई सिचुएशन नहीं बनी। तो मैंने इनको कहा बैठो, मैं आ गया एक घंटे में, हम अपना गाड़ी लेके आराम से, मैं आराम से आ गया। ओह करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं इनको भी यही बोलता था, ये छड़बड़ा जाते हैं चीज़ों, घबरा जाते हैं, कुछ हो गया अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सभी के लिए भी एक सीख है, तो प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे जितना रिलैक्स रह के सिचुएशन में क्या किया जा सकता है वो सोचना चाहिए कि हमेशा सोचो ये कांड हो गया, हो गया अब क्या किया जा सकता है, उसको डील कैसे करें। क्योंकि अब ये नहीं कह सकते हम ये नहीं होता तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, ये हो गया तो हम ये कर लेते, अब इनका दांत दर्द हो रहा है तो ये पहले ही निकल जाता, ऐसा नहीं होता। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसको देखो कि हो रहा है, तो अब हमने इसको डील कैसे करना है। तो डील ऐसे होगा कि अब इनका दांत निकलेगा। मैं फिर खुश हूँ, तीन दिन ये फिर चुप रहे। तो अभी रोने लग जाएगी।
रोना नहीं है, मूंगफली खा लो, बाद में खाने को नहीं मिलेगी। ब्रश कर लिया ना। कोई टेस्टी चीज बताओ, पिछली बार आपको बर्गर खिलाया था, अब टांके खुलेंगे क्या खाओगे? नहीं कुछ नहीं अब। हाँ तो देखते हैं अभी ऑपरेट होने वाला है। चलो टाइम हो गया, चलो चलो देखो। आज ही गाड़ी साफ करवाई थी और आज ही बारिश होने लग गई है, ये देखो। और ये ना मेरे तो बख्शी है, जब धुलवाऊंगी गाड़ी तब पड़नी पड़नी है बारिश, ये देखो। और ना गाड़ी अंदर से तो बहुत ज्यादा साफ सुंदर लग रही है और खुशबू भी आ रही है, क्योंकि हमने खुशबू के लिए भी एक चीज लगा रही है। ये तो बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है गाड़ी में बैठ के, फील गुड होना चाहिए ना। हाँ। आसपास हमारे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी माँ भी बनने वाली है। अब सिचुएशंस में भी हमें खुश ही रहना चाहिए, है ना जी? चाहे मेरे को जितना मर्जी गुस्सा दिलाए, मेरे को ऐसे ही करना चाहिए। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, अब आप भी किसी के बाप हो गए। अच्छा, अपुन भी किसी का बाप है। हाँ। मैं भी किसी को कह सकता हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है क्रिश भट्ट। ये टाइम ना प्रभु के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है और प्रभु को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये। और अभी क्या है कि अभी टीके लगेंगे इनके, तीन टीके लगने हैं। और मैंने पूछा कि तीन क्यों लगने हैं, क्योंकि ऊपर का दांत भी निकलवाना है, नीचे का भी निकलवाना है। नीचे का जो दांत है वो बिल्कुल सेम पिछली बार की तरह है, कट लगेगा, हड्डी कटेगी, अंदर से वो दांत को निकाला जाएगा, वो भी दांत बाहर नहीं आया हुआ, स्किन पे नहीं है, विजिबल नहीं है, तो उसको काट के ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। जो ऊपर का दांत है वो स्किन पे जा रहा है, वो चुभ रहा है, तो उसको वैसे निकालना है। ये दोनों विजडम टीथ हैं एक साइड के, पिछली बार तो दूसरे साइड का था वो निकल गया है। तो अब ये तीन टीके लगने हैं और ये टीका जब लगता है बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इसके बाद नर्वसनेस सी आ जाती है ना शरीर में, तो शरीर कांपने लग जाता है और प्रभु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इस समय तो ज़्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और रोना तो आपको पता है प्रभु को बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार, अलग अलग इमोशन होंगे, किसी को हंसना आता होगा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, मगर जितनी बात हमारी हो रही है दीपाली जी से, लवी से, या जो प्रेगनेंट पहले हैं गुगनी जी से, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। उन्होंने ये भी बताया कि दांतों के दर्द भी नॉर्मल हैं, ये छिड़ते रहते हैं, पुराने दर्द सब निकल के आते हैं बाहर। और मगर अभी ये करवाना ज़रूरी था इनका विजडम टूथ। ये देखो हाथ कितने ज़ोर से कांप रहे हैं इनके, पैर भी कांप रहे हैं। लिख नहीं कर रहा है, करी शुरू, ठीक है, कंफर्टेबल, चलो। बधाई हो। ऑपरेशन के लिए जाना होता है ना, तब तो ना चप्पले बदल के जाते हैं, उनकी चप्पलें होती हैं, हम ना गलती से साथ ही पहन के आ गए हैं, तो दवाई लेने के बाद एकदम से याद आया, अब वापस करने जा रहे हैं। तो प्रभु का दांत निकलवा के घर में आ गए हैं, तो अब वो तो बोल पाएगी नहीं। तो प्रभु जी कैसी हो?
दवाई खा लो, दवाई दवाई खा लो टाइम पे। दो नहीं तीन, आज दो तोड़े। ये नीचे वाला दांत है, ये बड़े वाला, ये ऊपर वाला दांत है। ये पता है ये टेढ़ा होके अंदर को घुस रहा है, ये सारा दांत टेढ़ा होके प्रब के लग रहा है। ये तो सड़ा भी पड़ा है वो। कौन ये ऊपर, ये ऊपर वाला पूरा, ये नीचे था पूरा, मांस के नीचे था सेम उतना ही। अभी कितना बड़ा ये, ये इतना बड़ा दांत स्किन के अंदर ही था, और ये ऊपर वाला। तो दो दांत निकाल दिए प्रभ के, तो हो गया काम। अब प्रभ हो गई है शांत, मौन व्रत प्रभ ने रख लिया है, तो अब प्रभ कम ही बोलेगी। मुंह इधर सूज भी गया इस साइड का, तो बहुत चीखे हमारी मम्मी प्रभ ने। तो ज़िंदगी में तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ हो गई हैं, तो प्रभ की दवाई आ गई है। अब यहाँ पर मेरी दवाई अलग पड़ी है, पट्टी लगी हुई है, मम्मी अलग दवाइयाँ खा रहे हैं। तो खा लो अब टाइम पे, खा लो, फिर दर्द होने लग जाएगा। अभी वो उतरेगा जब ना इंजेक्शन नीचे, दर्द टीके लगने में बहुत दर्द हुई। सुन के है ना ऊपर तीन टीके लगे, तीन तो तोड़वा लो फिर, आपको कौन मना कर। आप खुद डॉक्टर हो ना, बाद में जब जब बहुत काम बिगड़ जाएगा तब उसके बाद बोलोगे ले जाओ बेटा। एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा ना, उससे एक दिन पहले डॉक्टर ने कहा था ग्लूकोज लगवा लो, नहीं लगवाया, उसकी वजह से काम बढ़ा। लगवाया सिर्फ वो जो 150 रुपए का ग्लूकोज बचाया, उसके चक्कर में इतना काम बढ़ाया। उसके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रही है, मुंह सूजा भी हुआ है, खाना भी नहीं खाया है, जो खाया दोपहर को ही खाया, उसके बाद खाया नहीं है। तो कैसा है, बहुत दर्द है, पहले से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, सेम ही है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। और नोबिता घूम के आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, प्रभ की ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, हर सिचुएशन से लड़ते रहिए, और कोई ना कोई रास्ता निकालते रहिए।